जन सैलाब में आए, देश के कोने कोने के मजदूर भाइयों और बहनों, ये जो मोदी सरकार है, इसकी नीतियां इससे पहले वाली कांग्रेस सरकार से कोई अलग नहीं है। 1991 में यूपीए सरकार कांग्रेस की थी, उसके शासनकाल से ये नीतियां शुरू हुई और बीजेपी सरकार बीच में भी आई और अभी जो सरकार है उन्हीं नीतियों की आगे लागू करने में बढ़ाने में लगी हुई है, बल्कि और भी हमले तेज कर रही है। आज देश में मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है, उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के निर्माण कार्य में लगे मजदूर, उनका देश के विकास में, सभ्यता के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जितनी आप बिल्डिंगें देख रहे हो, पार्लियामेंट से लेकर और गांव, शहर, स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, कार्यालय, वो सभी बनाने वाले मजदूर, उनको रहने के लिए घर नहीं है, उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही है, उनको रोजगार नहीं है। जो कोई रोजगार थोड़ा बहुत मिलता है तो मजदूरी इतनी नहीं मिलती है कि वो इस महंगाई में अपने परिवार का गुजारा कर सके। मजदूरी को मार लिया जाता है और मालिक देने से इनकार कर देते हैं, ऊपर से चोरी का इल्जाम में सजा करवा देते हैं। उनकी मारी हुई मजदूरी को दिलाने का कोई तंत्र, कोई कानून, कोई प्रावधान इस देश में नहीं है। मजदूर के बचाव के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 1996 में जो ये सुरक्षा इंतजाम किए गए, उनको भी उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो सेस का पैसा इकट्ठा होता है वो मजदूरों पे खर्च नहीं किया जाता है, मामूली सा पैसा खर्च करके और बाकी का पैसा फिजूल खर्ची में उड़ाया जा रहा है। अभी खबर छपी, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि 29,000 करोड़ रुपए मजदूरों के सेस के जो मिलने चाहिए थे उस कोष में, वो जो कपड़े धोने की मशीन और कंप्यूटरों में उड़ा दिए गए। तो इस देश के मजदूरों को जो रोटी नहीं मिल रही, उनका जो आज इस देश में रहने के लिए मकान नहीं है, उन पर खर्च करने के बजाय वो पैसा उड़ाया जा रहा है। ये मजदूरों के जीवन में ये जो समस्याएं हैं इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो जो यूनियन है उनके जो बेनिफिट के फार्म जमा कराती हैं वो लिए नहीं जाते हैं। उनके जो अधिकार बनते हैं, जो हित लाभ बनते हैं, वो भुगतान नहीं किए जाते हैं। सालों साल से उनके लटके हुए हैं पैसे, वो उनके खातों में डाले नहीं जाते हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, खाली आश्वासन मिले, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। तो ये जो हालात है, इन हालात के लिए जिम्मेदार है सरकार की जन विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां। और ये नीतियां कोई एक मनमोहन सिंह की नीति नहीं है, कोई एक मोदी जी की नीति नहीं है, ये इस देश के सरमाएदारों की नीतियां हैं। सरमाएदार प्रस्त नीतियों के कारण मजदूर का ये बुरा हाल हो रहा है। मजदूरों में रोष है, मजदूरों में समस्याओं के चलते बहुत परेशानियां हैं। धन्यवाद, मेरा समय होने वाला है, इसलिए मैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी मजदूर भाइयों को लाल सलाम कहते हुए और ये आश्वासन देते हुए कि आने वाले समय में जो ये संयुक्त आंदोलन चलेगा उसमें हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। और जब तक ये नीतियां वापस नहीं ली जाती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।
इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद, ट्रेड यूनियनों की एकता जिंदाबाद। Thank you.